नमस्कार फ्रेंड्स, शेड्यूशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग आए हुए हैं श्री बालाजी बुक शॉप में और हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे और बात करेंगे यहाँ पे बबलू भैया से और जानेंगे कुछ खास चीज़ों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहले काफ़ी बेस्ट शेड्यूल है, उस बेस्ट शेड्यूल में देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ भी रहती है, वो टाइम निकालेंगे हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। हेलो भैया, कैसे हैं? फसला भैया, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। हमने सोचा चलिए आपसे मिल के आते हैं, आपसे कुछ दर्शकों को आपके बारे में बताते हैं और आपसे कुछ जानकारी लेते हैं किसी भी चीज़ से। तो भैया, हम आज जानना चाहते थे कि अभी आरओ का एग्ज़ाम है, तो आरओ के लिए क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या चल रही है मार्केट में, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? देखो, इस टाइम तो आरओ का ही चल रहा है, इस समय मार्केट पूरी आरओ की बनी हुई है क्योंकि सामने एग्जाम है और एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। तो उसकी जो है आरओ की भी बहुत कुछ एक लिमिटेड बुक्स हैं हम जो स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा चलती भी है। तो आओ मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसा आप आरओ की बुक्स के बारे में बता रहे हैं तो इस समय आरओ की बुक्स की जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। मैं अभी भी जस्ट अभी कस्टमर को ये आरओ की बुक्स दे रहा था। लेकिन बात करें हम घटना चक्र की, तो घटना चक्र मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है और मुझे लगता नहीं कि कोई भी विद्यार्थी जो है इस बुक को नहीं जानता होगा। इस बुक में सबसे विशेष बात यह है कि इसमें जो है पूरा आपको जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक तो ये आगे इन्होंने सिलेबस दे दिया, सिलेबस मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट जानते होंगे, जैसा कि जीएस जो है 140 मार्क्स का है और सामने 60 नंबर की वो हिंदी है। और अगर हम बुक की बात करें तो इसमें जीएस में जो दिया हुआ है ये पीटी प्लस मेंस दोनों के क्वेश्चन हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और ये चैप्टर वाइज डिवाइड है, जैसे पहले इन्होंने हिस्ट्री का पोर्शन दिया, हिस्ट्री के अंदर इन्होंने प्राचीन भारत अलग कर दिया, मध्यकालीन अलग कर दिया और साथ में ही आधुनिक भारत को अलग कर दिया है। अब बात करते हैं, जीएस हो गया हमारा प्रीवियस ईयर पेपर। सेकंड बुक बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया घटना चक्र यूथ कंपटीशन है, लेकिन हिंदी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा डिमांडेबल किताब है आदित्य पब्लिकेशन की। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी जो है सबसे ज्यादा डिमांडेबल है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही तीसरी बुक और जो मेन बुक मैं आपको बता रहा हूँ, जीएस वगैरह सब कुछ हर स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन ये एक जो है ना रिवाइज बुक है जिसको आप बहुत कंप्लीटली बहुत जल्दी से कवर कर सकते हैं, यह है घटना चक्र का जीएस पॉइंटर। इन्होंने क्या करा है कि भारतीय इतिहास, राजव्यवस्था, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, आर्थिक एवं सामाजिक, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो आप 6 किताबों में पढ़ते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो इन्होंने वन लाइनर में दे दिए हैं। वन लाइनर में भी इन्होंने अच्छे से डिवाइड कर दिया है, जैसा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सबसे पहले जो है इन्होंने हिस्ट्री दिया है और ये सारा जो है फैक्चुअल है, कहने का मतलब है वन लाइनर है, क्योंकि आरओ जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है पीटी में भी मेंस में भी, तो ये ज्यादा यूजफुल रहेगा। इतिहास के बाद अगर हम बात करते हैं ये भूगोल, तो ये भूगोल जो है भूगोल भी पॉइंटर में दे दिया है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि ये तीन बुक जो है, मात्र सिर्फ तीन बुक जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तीनों बुक जो है आपको पीटी पास 110% करवाएंगी, बस इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और दूसरी बात कि अगर कई स्टूडेंट हैं जो करंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि करंट क्वेश्चन कहाँ से उठता है, क्या करता है, मैं नहीं कहूँगा कि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ो, जो एनुअल बुक्स आती है, परीक्षा मंथन की वो पढ़ो, ये क्रॉनिकल की एक समसमाई की आती है, मात्र 40-35 रुपए की जो आपको मार्केट में मिलेगी, हर दुकान पे अवेलेबल होगी, आप इसको मंथली जरूर पढ़ा करें और साथ ही साथ इसको हर मंथली कलेक्शन जरूर करा करें। तो ये जो है तीन बुक्स और एक मंथली करंट अफेयर की बात। और बात करते हैं लास्ट में मेंस की, कि मेंस में हमें क्या करना चाहिए। हिंदी उसमें भी आता है, लेकिन हिंदी उसमें क्या होता है, थ्योरिकल है, जैसे कि आपका पत्र लेखन, निबंध वगैरह है, तो उसके लिए एक हमें रेफरेंस बुक जरूर रखनी चाहिए जो कि बहुत यूजफुल रहेगी, ये डॉक्टर हरदेव भारी की शब्द प्रयोग है। इसके अंदर जो है पूरा अच्छे से, मान लीजिए जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह पूर्वावलोकन आप रिवाइज कर रहे हैं आरओ के, तो उसमें कोई भी तरीके की कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप एक टेक्स्ट बुक, मतलब जो अच्छी ऑथेंटिक बुक है, डॉक्टर हरदेव भारी, बहुत जाने मानी बुक है ये, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर मुझे लगता है कि हिंदी कोई ऐसी चीज है नहीं है कि जो उसमें छोड़ी होगी। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा ना पढ़ें, कम पढ़ें, थोड़ा पढ़ें और अच्छा पढ़ें और बार बार पढ़ें। तो कहने का मतलब यह है कि ये तीन बुक जो है 110% आपको पीटी पास करवाएगी और साथ में करंट मैगजीन जरूर पढ़ा करें। थैंक यू सो मच। नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, अगर आपको किसी भी चीज की क्वेरी हो वो आप हमारे व्हाट्सएप द्वारा हमसे क्वेरी कर सकते हैं, और साथ ही हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है, आपको किसी भी एरिया में, रिमोट एरिया कोई भी हो, हम यहां से आपको कोरियर